नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसान यूनियन गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़ी हुई है। ट्रैक्टर रैली पर रोक के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही। दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून और व्यवस्था का है, इसका निर्धारण पुलिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज सुनवाई टाल रहे हैं, आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने देनी है या नहीं, ये तय करना पुलिस का काम है। ऐसे में अब गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा, इस पर दिल्ली पुलिस के हाथ में गेंद जाती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना है। साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप ये क्यों चाहते हैं कि आपको कोर्ट से आदेश मिले, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा, हम बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एपी सिंह से पूछा, दूसरे किसान संगठन कहाँ है? दुष्यंत दवे ने बताया कि वो पेश हो रहे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि मामले पर बुधवार को सुनवाई करेंगे। इससे पहले 11 जनवरी को कृषि बिल से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई के दौरान किसानों की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने भरोसा दिलाया था कि 26 जनवरी को राजपथ पर कोई ट्रैक्टर परेड नहीं निकलेगा, लेकिन इधर किसान अलग ही दम भर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।